आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं अवामी लहर न्यूज़ का फेसबुक पेज और मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अहमद मीर। आज करना में सब यूनियन ने SRTC बस चलाए जाने के खिलाफ चक्का जाम हड़ताल शुरू कर दिया, जिससे लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सोमू यूनियन का कहना है कि इलाका छोटा और कम आबादी होने की वजह से पहले ही सोमू गाड़ियां चलाने वालों को मुश्किलात दरपेश थी और पिछले 2 माह से सरकार ने कुपवाड़ा और श्रीनगर से SRTC की बस सर्विस शुरू कर दी, जिससे उनके काम पर बुरी तरह असर पड़ा है। वहीं दूसरी जानब आम लोगों का कहना है कि बस सर्विस की वजह से उन लोगों को कोई असर नहीं पड़ा है, हालांकि उनको जो असर पड़ा है वो उनकी हाथों की वजह से उनका असर पड़ा है। और जब से करना के अंदर छोटी प्राइवेट गाड़ियां आई हैं और इनका जीना हराम हुआ है। वहीं दूसरी जानब आम लोगों का मानना है कि सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली बस सर्विस खुश आइंद कदम है और भी 4 बसेस यहां पर लगनी चाहिए। लोग कम किराए में श्रीनगर और कुपवाड़ा का सफ़र करते हैं। पेश है करना से ये खास रिपोर्ट। उसके बाद हम STM साहब के पास एप्लीकेशन छोड़ी, जिला साहब के पास एप्लीकेशन छोड़ी, तो हमने बोला सर एक बस हमें बंद कर दो और एक बस चले, वो भी उनकी 33 सीटर है, उस पर 133 जाता है। अगर आपको कोई डाउट है आप खुद मौके पे देख सकते हो कि 133 आदमी होता है उस पर, यह नहीं होता है। और बस का जो मतलब समूह है उसमें केवल 7-8 आदमी आते हैं, उनको मतलब 2 घंटे 4 घंटे सर में बंद किया जाता है। बस पे 150 आदमी होता है, जैसे जाती है थ्रू जाती है, जो हमारे जो समूह पे लोग जाते हैं 4-5 गाड़ियाँ हमारी टोटली चलती है, वो भी उतर के बस में बैठ जाते हैं और समूह वाले ढंग से वापस हमारे सर पे बोझ। वापस ये है कि हमें 2 बसें, पहले तो हमारे को यही है कि 2 ही बसें बंद की जाए, अगर 2 बसें नहीं भी बंद होती हैं एक बस बंद की जाए। और वो एक है तो जब विंटर में हमारी गाड़ी चलती क्या है, विंटर में जब थोड़ी सी बारिश भी होती है फिर भी हमारी गाड़ी को नो मूवमेंट की जाए। गवर्नमेंट ने हमारा हक ही छीन लिया, बसें लगा दी, तो हमें किराए के बारे में क्या करें। जब बस बंद हो जाए दोनों फिर चलो हम किराए कुछ ना कुछ नीचे ऊपर कर। फिर भी हमने श्रीनगर का जो हमने बोला स्टैंड टू स्टैंड का 500 रुपये हमने रखा था, ये पिछली बार में आपने मुझे पूछा था, मैंने यही बोला था स्टैंड टू स्टैंड 500 रुपये हमने श्रीनगर के दे दी। लेकिन उसके बाद जो आगे हमें बस सर्विस चलानी पड़ती है, जैसे खुनूर जाना पड़ता है, हमामा जाना पड़ता है, उसके बाद देवन तक जाना पड़ता है, फिर ओमपुरा जाना पड़ता है। जैसे हमारे दूर दराज जैसे हमारे अमरोही से आएगा वो तो 500 नहीं लगेगा, क्या उसको 50 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। अगर उसके बाद जो टंगनार स्टैंड से परमपुरा स्टैंड तक जाएगा उसको 500 रुपये बराबर लेंगे ड्राइवर, ये मेरा वादा है आपके साथ। बिल्कुल गलत है, ठीक है, वो भी इससे प्राण से बचने ऐसी गल नहीं सर, लेकिन गवर्नमेंट बस चलनी चाहिए थी, गरीब लोग से सहूलियत है। ये जिसे मर्जी आई 300 रुपये कहना, 400 रुपये कहना, 600 रुपये कहना, अपनी मन बोली करने से सर थोड़ी होता है। असर बेदाजा पैदल टूट गया ऐसे, तो इसका मतलब क्या है सर, उन टूट गया उसको गुजरात ना चलती थी कोई ना होता सर, ना जिन्हें बढ़ा के हड़ताल है गवर्नमेंट बस को किसान फेल कर सुने और आवाम मजम्मत कर दिए सिलसिले। गवर्नमेंट बस चलनी चाहिए एक ना बल्कि 2 और होनी चाहिए। इन्हें सुन भाया था माता माल सिलसिला भाई जिस इन्हें चल भाई फलानी जगह गैसा हाँ जी 600 रुपये लग सी उस एक गैसा 600 रुपये, ये कोई गल है गवर्नमेंट बस को बंद करना, ये कोई जवास है भाई। लोकल रूट सर नहीं बंद की थी, लोकल तो नहीं चाहिए उन्होंने, लोकल बंद करने के मतलब है इसका मतलब उन्होंने नुकसान है सिलसिला कि भाई ये इनकी बारगेनिंग खत्म होगी। लिहाजा भाई असम को गवर्नमेंट बस की बड़ी सहूलत है और रहनी चाहिए और एक जी हड़ताल है इनकी बिल्कुल गलत है। इनका आग्रह भी है कि ओवरलोड खड़ दिया बस दुआ साधना तो बस को प्रेफरेंस दी गई। देखो जी ओवरलोड का सिलसिला है कि जेड़े भी गरीब आवाम गए सन अगर ओवरलोड भी गए सन और इस सहूलत वास्ते गए सन कि असम को 4 पैसे फायदा होगा, मजदूरी आम नहीं सर सर लोग बेकार हैं सर सर, अगर 4 पैसे फायदा होए तो ओवरलोड भी कहें, वरना कोई शौक नाल तो नहीं कहता ओवरलोड तो नहीं सर। ये भी किराया काम करें सर सर इन्हें कल गए सर देखो और मुताबा है कि साधना टाप तो प्रेफरेंस दी गई है बसों को पहले देनी भी चाहिए सर सर प्रेफरेंस कि भाई सवारियाँ तंग ना हो, ये तो अच्छी गल है अगर जिसकी उनकी बहुत बड़ी गल है सर सर, अगर ऐसी गलतियाँ ना हो सिलसिला तो चेकिंग कुछ हो गई आम आवाम इनकी हड़ताल कितनी दिखती बड़ी बुरी नजर दिखती है, ये अच्छी गलत नहीं सकता। लोग मतलब लोकल बंद करने हैं मतलब के चलो ठीक है जी लॉन्ग रूट तक सुन हड़ताल की थी जो आज से गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन को जे हो सकता है, लेकिन तुझे मगर तुम लोकल भेज दिया, लोकल बस नहीं चलती, टाट बस नहीं चलती, पिठवाल बस नहीं चलती, गबरे बस नहीं चलती, बंद कर बहुत परेशानी हो गई है। सुबह से आके तो परेशान हो गए थक गए पिठवालो आ जाए पिठवालो जी तो काम नहीं क्या कराऊं परेशान आना कौन के संग के किसको आखना अपना कम करते हैं गवर्नमेंट भेजिए दिन तो होता है लंबे रूटा वास्ते ऐसा ये इस रूट वास्ते तो नहीं ना बस तला मुटी फाल मार के नहीं या जाए सब शुरू वास्ते तो भी बन गए ना ताल में चाह के तूफान ऐसा गरीबों का निकी गाड़ियाँ तो ना तो जुलते नहीं अमीर लोग असं गरीब के करा असं तो मर गए ना।